राजस्थान में भीलवाड़ा की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के बजट से उम्मीदें हैं। राजस्थान में इस टेक्सटाइल हब के मैन्युफैक्चरों की मांग है कि कच्चे माल पर जीएसटी कम की जाए, कारोबार को फायदा पहुंचाने के लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नीति बनाई जाए और उन्हें कम रेट पर बिजली मिले। इंडस्ट्री का कहना है कि वो भीलवाड़ा में प्रस्तावित प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एप्रल या पीएम मित्र पार्क नहीं बनाए जाने से निराश हैं। भीलवाड़ा के लिए टेक्सटाइल हब है भीलवाड़ा राजस्थान में। आज की डेट में 60% पीवी फैब्रिक जो है यहाँ पे बन रहा है, लेकिन यहाँ पे पीएम मित्रा स्कीम का कोई प्रोजेक्ट जो है राजस्थान में नहीं आया। इतना इम्पोर्टेंट स्टेट होने के बावजूद पीएम मित्रा से वंचित रखना इज नॉट ए गुड साइन। भीलवाड़ा में टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी समय से चल रही है, यहाँ पर टेक्सटाइल पार्क की अति आवश्यकता है, क्योंकि पूरा जो डेवलपमेंट ग्रोथ होगा उसके लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए और ज़मीन यहाँ पर अवेलेबल है नहीं। दूसरा, यहाँ पर सोलर प्लांट्स वगैरह के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी क्रिएट करनी चाहिए और काफ़ी जितना भी पावर जनरेशन हो रहा है वो शॉर्टफॉल पड़ रहा है और उसके कारण इंडस्ट्री में काफी तकलीफ आ रही है, बार बार पावर कट्स हो रहे हैं। नई केंद्र सरकार का आगामी बजट जुलाई माह में आने वाला है। राजस्थान और पर्टिकुलर भीलवाड़ा के लोगों को काफी अपेक्षाएं हैं, विशेषकर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को पी मित्रा पार्क की काफी एक्सपेक्टेशंस है। पिछली बार जो 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क अनाउंस हुए थे उसमें भीलवाड़ा का नाम नहीं है, तो हम केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि चूंकि भीलवाड़ा एक टेक्सटाइल सिटी है तो यहाँ एक पी मित्रा पार्क होना चाहिए। 7 प्रस्तावित कपड़ा पार्क 2026-27 तक बनाए जाने हैं। उनका मकसद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI लाने के साथ ही कपड़ा इंडस्ट्री के लिए इंटीग्रेटेड सप्लाई वैल्यू चेन तैयार करना है। कई मैन्युफैक्चरों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि आगामी बजट में उनके लिए सस्ती बिजली के मुद्दे पर गौर किया जाएगा और एक डिजाइन डेवलपमेंट सेंटर बनाया जाएगा। नई सरकार से बहुत सारी नई उम्मीदें हैं और विशेष तौर से जब डबल इंजन की सरकार है राजस्थान में भी और भारत में भी, तो हमारी उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ जाती है। हम उम्मीदों की बात करें तो भीलवाड़ा तो ऐसा स्टेट, ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां सबसे ज़्यादा रेवेन्यू स्टेट को दी जाती है, पर डेवलपमेंटल के नाम पर बहुत कम कॉन्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहले चाहेंगे कि राज्य में के हिस्से में जितना पैसा आता है उसका अधिक से अधिक पैसा भीलवाड़ा पर खर्च होना चाहिए। नए इंस्टीट्यूशन के हिसाब से NIFT टेक्सटाइल के लिए बहुत ज़रूरी है। इस बजट में हमारी गवर्नमेंट से यही आशा है कि जो पावर की जो टैरिफ है वो बहुत ही ज़्यादा है और राजस्थान के अंदर पावर की रेटें आसपास के राज्य मध्य प्रदेश गुजरात इन सभी से ज़्यादा है, तो एक तो ये है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पावर बहुत लगती है, तो इसकी पावर रेट को ध्यान में रखकर इसको रेशनलाइजेशन किया जाए। अगर मैं भीलवाड़ा की बात कहूँ तो भीलवाड़ा में चूँकि टेक्सटाइल सेक्टर में एनर्जी की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है और जब आए दिन यहाँ पे एनर्जी की शॉर्टेज है, पावर कट होते हैं, तो उद्योगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। चूँकि सौर ऊर्जा भीलवाड़ा में करीब करीब सभी उद्योगों में लग चुकी है, लेकिन अभी भी हम चाहते हैं कि इस बजट के अंदर सौर ऊर्जा में काफ़ी रिलैक्सेशन दिया जाए, अभी भी हमें बहुत वक्त लगता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन अपना 7वां बजट इस महीने पेश करेंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।